इस समय बज रहे हैं सुबह के 3:30 और 3:30 बजे मैं जा रही हूँ पेरिस के लिए, क्योंकि सुबह सुबह हमने हम लोग को देखना है आईफिल टावर। अभी फिलहाल मैं ही जल्दी से जा रही हूँ। नमस्ते सभी लोग, कैसे हो आप लोग? तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि पीछे रात हो रही है और मेरे को काफ़ी नींद आ रही है इस समय, और मैं अभी जा रही हूँ पेरिस। तो ये मेरी पहली ट्रिप होगी पेरिस के लिए, अभी तक फ़िलहाल मैं नहीं गई थी पेरिस। तो टुडे आई एम गोना विजिट आईफिल टावर, और अभी सुबह जाने का इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया क्योंकि अभी जल्दी जाएंगे तो फिर जल्दी हम लोग देख सकते हैं और भीड़ भी कम होगी, नहीं तो फिर बहुत लंबी लाइन हो जाती है और फिर बाकी का पेरिस भी कवर करना है आज। तो इसलिए अभी सुबह सुबह जल्दी 5 बजे की ट्रेन है यहाँ से गार दे ओरलियो से। तो अभी अपने यूनिवर्सिटी से गार दे ओरलियो जाने के लिए ट्रैम लेंगे, फिर वहाँ से ट्रेन मिलेगी। सो लेट्स गो। सो जस्ट केम टू गार दे ओरलियो और ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 6 जहाँ पर मेरी ट्रेन ऑलरेडी खड़ी हुई है बट अभी तक खुली नहीं है, तो उसी का वेट कर रहे हैं। 5:45 पे मेरी बस सॉरी ट्रेन चलेगी, तो बस अभी 1 घंटे में लगभग पेरिस हम लोग पहुँच जाएंगे। मेरी ट्रेन खुल चुकी है और मेरा ऑल है 2nd क्लास। लेट्स सी फ्रॉम दिस साइड। ओके, दिस इज क्वाइट गुड, ये काफी अच्छा है। तो फाइनली मैं पेरिस आ चुकी हूँ, और पेरिस आने के बाद सबसे पहला काम करना है कि यहाँ से डे पास लेना है। अब पूरे यूरोप का एक ही पढ़ना रहता है कि जाओ और डे पास लो, जो कि बहुत कन्वीनियंट रहता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो बस वही है कि अपने को जितने भी दिन के लिए, अब देखो ये लिखा है 1 डे, ये 1, 2, 3 और 5 डेज, तो ये अपने हिसाब से, अगर आप 1 दिन के लिए आ रहे हो तो 1 दिन का ले सकते हो, जितने भी दिन के लिए आ रहे हो उतने दिन का ले सकते हो, तो ये आपके लिए इफेक्टिव और कन्वीनियंट रहेगा। कुछ 8 यूरो या लगभग 10 यूरो के अंदर आपको 1 दिन का मिल जाएगा, और ज़्यादा दिन के लिए लोगे तो और कम का मिल जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फाइनली मेट्रो से उतरने के बाद और डायरेक्ट आपको व्यू दिखाती हूँ, फिर देखो। तो इस समय ये हो रहा है, पूरा रस्टेड और जंग खाया हुआ है, ऑल्सो रस्ट की वजह से ये पूरा ब्राउन कलर का हो रहा है। तो अभी क्योंकि ये ब्राउन कलर का है और ओलंपिक अगले साल जो है वो पेरिस में होने वाले हैं, तो उसकी वजह से ये लास्ट टाइम है कि जब हम लोग इसे ब्राउन कलर में देख सकते हैं। ओलंपिक की वजह से इसे गोल्डन कलर में पेंट किया जा रहा है, तो उसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और पीछे देख सकते हो आप, बाकी बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये रहा पीछे मेरे आईफिल टावर और ये रही पीछे सीन रिवर। अच्छा, तो इस रिवर को ओलंपिक्स की वजह से साफ किया जा रहा है, लगभग 5,000 करोड़ इस पर खर्च किया जा रहा है जिससे इस रिवर को स्विमेबल बना सके। तो अभी लगभग हमारे बज रहे हैं यहाँ पे 8 और 9 बजे, यहाँ पे ये खुल जाएगा लाइक आईफिल टावर, जिससे हम ऊपर भी जा सकते हैं। तो कुछ एक सीन है कि हम ऊपर जाएंगे, अभी यहाँ तक आए हैं तो यहाँ से ऊपर भी जाएंगे, देन उसके बाद फिर आगे और पेरिस का एरिया कवर करेंगे। अभी यहाँ पे आईफिल टावर खुला नहीं है और सुबह सुबह है, बिल्कुल ही मतलब बहुत सुबह हो रही है, तो लोग भी काफ़ी कम है। अभी धीरे धीरे लोग बढ़ने वाले हैं, और यहाँ से पीछे का व्यू आप देख सकते हो कितना प्यारा है, तो हम लोगों ने भी फ़ोटोज़ ले लिए हैं अपने, एंड देन अभी बस ऐसे ही घूम रहे हैं हम लोगों ने कर लिया अपना सारा काम, उसके बाद हम लोग जाएँगे और बाकी की चीज़ें घूमेंगे और सबसे पहले तो आईफिल टावर पर ऊपर जाएंगे।
सबसे इम्पोर्टेंट काम जिस भी सिटी में आप आओ उस सिटी का आपको ऐसे मैग्नेट्स मिल जाएंगे तो वो ज़रूर लेकर जाओ मेमोरी के लिए। तो ऐसे मैग्नेट्स मैंने हर जगह से लिए हैं और ये मैंने पेरिस का भी ले लिया। सुबह लगभग 9 बजे एफिल टावर खुल जाता है और हम लोग सबसे जल्दी आए हुए थे, फिर भी इतनी लंबी लाइन है। तो ये एक एडवाइस है कि अगर आप आएँ तो जल्दी आएँ सुबह, नहीं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। और ये रही मेरी टिकट जो कि मिली है मुझे 10 यूरो की ऊपर जाने के लिए। उसके लिए हमें पहले 300 स्टेयर्स को चढ़ना है और फिर हमें लिफ्ट मिलेगी जो हमें ऊपर लेकर जाएगी बिल्कुल टॉप पर। तो ये कुछ व्यू है जब चढ़ते टाइम हमने देखा, और स्टेयर्स 300 हैं तो जिसको कन्वीनियंस लगे वो चढ़े, नहीं तो डायरेक्ट नीचे से ऊपर जाने के लिए भी लिफ्ट होती है। तो अभी ऐसे एक कितना फ्लोर जाना है? अच्छा हाँ, तो अभी कुछ 2 फ्लोर और बाकी है, मेरे लगा शायद ख़त्म हो गया। तो फाइनली सारी स्टेयर्स चढ़ने के बाद कुछ ऐसा व्यू देखने मिलता है, और इसके बाद सीधे बस अब लिफ्ट में जाना है, यहाँ से ये स्टेयर्स चढ़नी है और इसके बाद बस यही स्टेयर्स है थोड़ी सी, और यहाँ से फिर हमें लिफ्ट लेकर जाएगी पूरे टॉप तक। तो अभी फिलहाल का जो व्यू है वो कुछ ऐसा है, एंड दिस इज ब्यूटिफुल। ये सीन रिवर है एंड एंटायर पैलेस। ये लगी है लाइन लिफ्ट के लिए, लिफ्ट के अंदर जाने के लिए। तो नीचे यहाँ से लिफ्ट आएगी और हम लोगों को फिर ऊपर लेकर जाएगी। तो यहाँ पे ये जितनी भी कंट्रीज है उन सब का डिस्टेंस दिया है कि इधर से कितना डिस्टेंस है उसका, और अपने इंडिया का भी दिया हुआ है। न्यू दिल्ली एंड आगरा। तो पेरिस में आके एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि अपना जो सामान है उसको बहुत हिफाजत से रखें, क्योंकि यहाँ पे पिक पॉकेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और हर जगह पे मतलब अपना पासपोर्ट और अपना वॉलेट वगैरह ये सब चीज़ों का खास ख्याल रखें। और यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो ना कुछ पेपर वगैरह लेके ना उस पर साइन करवाने लग जाते हैं, ऐसा बोलते हैं डोनेशन है वगैरह, मतलब बिल्कुल ही एकदम आके बैठ जाते हैं आपके पास कि इस पर साइन कर ही दो। तो गलती से भी उस पर साइन मत करना, क्योंकि अगर आपने एक भी बार साइन कर दिया तो फिर वो आपसे 20 यूरो निकलवा के रहेंगे कैसे भी, आपकी जेब में हाथ डाल के वो लोग 20 यूरो निकलवाएंगे बस एक साइन के। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं पेरिस की जो कि ख़राब हैं और क्या ही कर सकते हैं। माय फ्रेंड कम ऑन मेट कम ऑन नो माय फ्रेंड दिस वन लेट्स स्प्राइट फॉर 14 ईयर आई टेक 3 मोर फॉर फ्री। नो क्यों, नो किचन सॉरी नो किचन माय बैग आई बॉट यू कम ऑन 7 No, it's okay. This one for 7. This one for 7. Indian bargaining skills. Come on, man. इसकी मेट्रो जो कि देख ही सकते हो कितनी पुरानी हो गई है, इस एंटीक जैसी लगती है और ये सच में बहुत पुरानी है। अपनी मतलब दिल्ली मेट्रो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इसके आगे, एक तरीके से टॉय ट्रेन भी बोलते हैं इसको, बट ये हाँ लुक भी उसका इसी तरीके का है, बट इसका लुक इसलिए उस तरीके का है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, काफ़ी ज़्यादा। देखिए तो ये है आरके दी त्रॉफ, और ये एक तरीके से इंडिया गेट की तरह जैसे हमारा यहाँ पे
तो ये है द फेमस आर्के दी ट्रॉफ ऑफ पेरिस। एक तरीके से इसको हिस्टोरिकल सिंबलाइजेशन ऑफ वॉरियर्स कह सकते हैं, जो भी वॉरियर्स मरे थे उनकी याद में ये बनाया गया है। जस्ट लाइक दिल्ली में जैसे इंडिया गेट है, उसी तरीके से ये भी बनाया गया है। तो इसके पीछे की भी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है। एक लड़की की कहानी है जो कि वॉरियर हुआ करती थी, तो उसकी एक मेमोरी में ये बनाया गया है, ऑल्सो फॉर अदर फ्रेंच वॉरियर्स। और ये प्लेस और भी ज़्यादा फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पे लुई विटों भी इस्टेब्लिश है इस एरिया में, और यहाँ जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो सब यहाँ पर इस्टेब्लिश हैं इस एरिया में, तो इस वजह से और ये बहुत ज़्यादा। ऑल्सो इस प्लेस को बोलते हैं इटॉइल। इटॉइल का मतलब होता है कि स्टार की जैसे 12 एजेस होती हैं, तो यहाँ पर मतलब ये जो सेंटर है वो 12 ऐसे बिल्कुल मिडल, जैसे स्टार का जो मिडल होता है ना उसमें है, और यहाँ से 12 ऐसे रोड्स गई हुई हैं स्टार की तरीके से, इस वजह से इसको इटॉइल भी बोला जाता है। और यहाँ पे जो घर हैं जैसे कि आप देख सकते हो सारे के सारे एक जैसे हैं, आप यहाँ देख सकते हो, इधर देख सकते हो। तो फिर यही है आर्के दी ट्रॉफ। तो विंसी का मोस्ट फेमस ल्यूब्रे म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ ल्यूब्रे, जहाँ पे मोनालिसा की पेंटिंग रखी हुई है जो कि लियोनार्डो द विंसी ने बनाई थी। ये है वो म्यूजियम। ल्यूब्रे म्यूजियम और इसके पीछे ये जो पिरामिड जैसा दिख रहा है, ये यहाँ पर रखी हुई है मोनालिसा, मतलब इसके अंदर नहीं इसके नीचे, ठीक है। बाकी ये पूरा म्यूजियम की ही बिल्डिंग है, तो बहुत बड़ा म्यूजियम है। और आप देख ही सकते हो कितनी भीड़ है भाई, पेरिस में बहुत ज़्यादा भीड़, मतलब मेट्रोज में भी, पूरे यूरोप में, मतलब पूरे यूरोप में तो मैं नहीं घूमी हूँ, पर जितना भी घूमी हूँ जो सबसे ज़्यादा भरी हुई मेरे को मेट्रो दिखी है वो पेरिस में ही दिखी है, नहीं तो बाकी सब जगह बहुत खाली खाली रहती है। यहाँ पे अपने दिल्ली वाली तरीके से भरी हुई है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि आगरा में जो मेट्रो बनने वाली है उसकी एक लाइन से हमें ताजमहल दिखाई देगा, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक लाइन है M6 करके, तो उस लाइन की आप मेट्रो लेते हो तो आपको आईफिल टावर दिखता है, तो जिस तो आप भी आए तो ज़रूर लें उसको, तो उससे आईफिल टावर दिखता है क्योंकि अच्छा लगता है देखने। बाकी तो फिर यही म्यूजियम है अभी। सुबह 3 बजे से और शाम तक हमने पेरिस का ऑलमोस्ट एरिया कवर कर लिया, और इसके बाद अगर हम जर्नी कंटिन्यू करते तो काफी टायरिंग होता। So if you are new to the channel, then do subscribe to my channel, and thank you for watching.